हेलो एवरीवन राधे राधे स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट है और यहाँ पे देखिए मैं एक क्विल्टेड पीस रेडी करके ले ली हूं इसकी जो लंबाई है वो 19 इंच है और चौड़ाई दस इंच है और ऊपर से जो मेन कपड़ा जो दिख रहा है मैरून कलर का ये है ब्लाउज के बचे हुए टुकड़े का मैं इस्तेमाल की हूँ थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था उसी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके एक बहुत ही प्यारा बैग बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और नीचे अस्तर के लिए पुराने प्लाजो का मैं इस्तेमाल की हूँ और बीच में ए, क्विल्टिंग के लिए जो चावल के कट्टे होते हैं वो इस्तेमाल की हूँ तो इस तरीके से आपस में अटैच करके सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा करके और इस तरीके से रेडी कर ली हूँ और ये देखिए ऊपर के साइड से यहाँ पे दो इंच पे मार्किंग करनी है ध्यान रहे इसकी लंबाई रहेगी उन्नीस इंच और चौड़ाई दस इंच है अब ऊपर के साइड से दो इंच पे मार्किंग करेंगे दोनों साइड से और आपस में मिला देंगे और मिला करके और इसको कट कर लेना है मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आप लोगों के साथ रिप्लाई जरूर करूंगी आपके कमेंट का ये देखिए यहाँ पे कट कर ली हूँ कट करने के बाद इसी के नाप का हमें लेना है चैन तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैं इसी के नाप से चैन ले ली हूं अब इसको भी अटैच कर देना है चैन का जो सीधा वाला पार्ट है वो अंदर के साइड रहेगा यानी कि नीचे रहेगा और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा करके और फिर उसके बाद इसको पलट के और मार्जिंग अंदर के साइड करके और टॉप की सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पे यहाँ पे मैं चैन अटैच करके रेडी कर ली हूं अब इसके अंदर हमें डालना है रनर तो यह देखिए रनर भी मैं डाल करके रेडी कर लेती हूँ तो ये देखिए गाइस यहाँ पे रनर जो है वो मैं डाल करके रेडी कर दी हूं अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चैन निकला हुआ है या कपड़ा निकला हुआ तो उसको कट करके बराबर कर लेंगे बहुत ही आसानी से चैन भी लग जाता है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है अब ये देखिए पहले इसको डबल में हमें फोल्ड कर लेना है जो पीस है उसको डबल में हम लंबाई के साइड से फोल्ड करेंगे और जहां से फोल्ड है वहां से ढाई इंच पे मार्किंग करनी है इस साइड से दोनों साइड से ढाई ढाई इंच पे मार्किंग कर लेना है और इसी मार्किंग से और ऊपर के साइड से पूरा में हमें एक कपड़े का पीस लेना है जो कि क्विल्टेड नहीं रहेगा बस कपड़े का एक पीस लेना है तो ये देखिए ऊपर के साइड से जहाँ से मार्किंग था और इसके ऊपर वाला भाग पे हमें एक पीस ले लेनी है और इस तरीके से कपड़े को रखना है ताकि ये पैकेट बन जाए और चारों साइड से सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेना है ये देखिए चारों साइड से सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे तो ये देखिएगा इस साइड में एक छोटा सा पैकेट बन करके रेडी हो चुका है अब जो भी एक्स्ट्रा कट कपड़ा निकल रहा है उसको कट करके बराबर कर देंगे अब मार्किंग करनी है स्ट्रिप लगाने के लिए तो स्ट्रिप लगाने के लिए दोनों साइड से, से तीन इंच छोड़ कर के मार्किंग करेंगे एक साइड से तीन इंच छोड़ कर मार्किंग करेंगे दूसरे साइड से भी तीन इंच छोड़ करके मार्किंग कर लेंगे अब इसी के ऊपर हमें स्ट्रिप लगा देना है तो स्ट्रिप ये भी यहाँ पे मैं रेडी कर ली हूँ बनने के बाद इसकी चौड़ाई एक इंच है और लंबाई जो है वो सोलह इंच है और मेन कपड़े का ही मैं यहाँ पे स्ट्रिप भी बना करके रेडी की हूँ अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो जो रेडीमेड भी बना हुआ स्ट्रिप मिलता है मार्केट में तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब ये देखिए जहाँ से मार्किंग है वहीं से हमें रखना है इसको और इसके ऊपर सिलाई लगा करके अटैच कर देना है दोनों साइड सेम तरीके से हम स्ट्रिप को लगा करके रेडी कर लेंगे देखिए इस यहाँ पे स्ट्रिप लग चुकी है अब फिर से एक हमें जिप लेनी है इसी के नाप का और इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद देखिए दोनों साइड में हमें चैन लगा करके रेडी कर लेना है चैन को रखना है उल्टा करके और इसके ऊपर सीधी सिलाई सी लगा देनी है ये देखिए गाइस यहाँ पे सीधी सिलाई सी लग चुकी है चैन का अब जो मार्जिंग वाला पार्ट है उसको मैं अंदर के साइड कर रही करेंगे और जो स्ट्रिप लगी हुई है जो तनी है उसको बाहर के साइड करना है और करके इसके ऊपर तनी के ऊपर भी और कपड़े के ऊपर भी दोनों के ऊपर इस तरीके से टॉप की सिलाई लगा देंगे ये देखिए इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लग करके रेडी हो चुकी है और इस तरीके से लगाने से तनी भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है दोनों साइड में जिप लग करके रेडी हो चुका है और तनी भी लग करके रेडी हो चुकी है अब इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके अंदर रनर डाल देंगे तो ये देखिए गाइस यहाँ इसमें मैं रनर डाल करके रेडी कर ली हूं अब थोड़े सा रनर को ओपन करना है और इसको पलट कर करके उल्टा कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से रनर थोड़ा सा खोल देंगे और इसको पलट करके उल्टा कर लेना है तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हम इसको उल्टा करके रेडी कर लिए अब इसको रखना है हमें साइड में और साथ में दो क्विल्टेड पीस और लेने हैं देखिए मेन कपड़े का ही जो कपड़ा हम यूज करेंगे उसी का दो क्विल्टेड पीस और लेना है इसकी लंबाई रहेगी साढ़े सात इंच और चौड़ाई रहेगी पांच इंच दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा अब इसको डबल में फोल्ड कर लेना है सेम तरीके से इसको भी मैं क्विल्ट करके रेडी की हूँ नीचे प्लाजो के लिए कपड़ा लगाई हूँ पुराना कपड़ा कोई भी और बीच में क्विल्टिंग के लिए राइस बैग है और ऊपर मेन कपड़े को रख करके सिलाई लगा कर रह क्विल्ट कर लेना है अब ये देखिए इसको फोल्ड करके रखने के बाद इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और तिरछी मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से तिरछा रखते हुए मेजर टेप को और निशान लगा लेंगे तो ये देखिएगा ऊपर के साइड से थोड़ा सा हाफ इंच जितना रहेगा चौड़ाई में और नीचे से पूरा ही लेना है तिरछा करते हुए और इसको कट कर लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का एक पीस कट करके रेडी हो चुका है अब सेम तरीके से दूसरे पीस को भी उसी के ऊपर रख करके हम कट कर लेंगे रख के और इस तरीके से बराबर में कट कर लेना है दोनों पीस कट करके रेडी हो चुका है अब इसको अटैच कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ बड़ा वाला पीस लेना है और उल्टे के साइड से ही रखना है और ये देखिए जहाँ से चैन लगा हुआ है ना वहीं से जो छोटा वाला पीस है उसको बराबर करके इस तरीके से रखेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे सेम तरीके से दोनों साइड करना है एक साइड में आपको सिल करके दिखा देती हूँ ये देखिए जहाँ से बीच वाला बिल्कुल सेंटर वाला जहाँ पे चैन लगा हुआ है बड़े वाले पैकेट का वहीं से हमें इसको बराबर करते हुए रखना है बिल्कुल आमने सामने और ये देखिए इस तरीके से घुमाव देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे जहाँ भी घुमाव देने की ज़रूरत है वहाँ जो मशीन की सुई है वो कपड़े के अंदर ही रहने दें और मशीन की बूट को उठा लें और उसके बाद कपड़े को खींच करके थोड़ा सा हल्का सा ही खिंचाव देंगे तो कपड़ा अपने सेफ में आ जाएगा और उसके बाद बूट को गिरा करके और फिर सिलाई लगा दे बहुत ही आसानी से बन जाता है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और ये देखिएगा इसी इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है और सेम तरीके से दूसरे साइड भी अटैच कर लेना है देखिए कहीं से बड़ा छोटा नहीं है बहुत ही आसानी से सिलाई लग करके ये रेडी हो जाता है बहुत ज़्यादा बनाना इजी है इसको बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे ये देखिए गई दोनों साइड में लग करके रेडी हो चुका है और बैग की सेप भी बन गई है पूरा अच्छे तरीके से और बैग भी बन करके रेडी हो चुका है जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह निकला हुआ है उसको मैं कट करके हटा देती हूँ यहाँ पे अगर आप चाहें तो फिनिशिंग की पट्टी लगा सकते हैं पाइपिंग से कवर कर सकते हैं मगर मुझे ज़रूरत नहीं था तो इसी वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ अब इसको यहाँ से रनर को ओपन कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे अब ये देखिए गाइस सीधा करने के बाद कितना सुंदर इसका लुक लग रहा है मिनी हैंड बैग बन करके रेडी हो चुका है ये ना ही ज्यादा बड़ा साइज का और ना ही ज्यादा छोटे साइज का है मगर देखने में सामने से बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है एक बार ना अगर आपको थोड़ा सा भी सिलाई के काम आता है तो बना करके जरूर देखिएगा और सबसे मेन बात ये ब्लाउज के बचे हुए कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा था उसी से बन करके रेडी हो चुका है इसमें ज्यादा कपड़ा भी नहीं लगता है और देखिए बहुत ही बढ़िया से इसका सेफ आ गया है काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है ये बैग इस तरीके से बना करके आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और मार्केट में सेल करके पैसे भी कमा सकते हैं कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद